अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम वंस अगेन। तो यार फाइल मैनेजर आपने अपनी एप्लीकेशन में, सॉरी आपने अपने मोबाइल फ़ोन में कोई सा भी हो यार, तो यूज़ तो बहुत सारे किए होंगे। अब यहाँ पर मेरे पास भी बहुत से हैं, एक MI का फाइल मैनेजर है और एक सैमसंग वगैरह का, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो है ना प्ले स्टोर पर बहुत ज़्यादा मिल रहे होते हैं। लेकिन ये जो फाइल मैनेजर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है ना भाई जी, ये है गूगल की प्रोडक्शन। अगर इसका जो है ना वो प्ले स्टोर से हम रिव्यू करें, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं फाइल्स और उसके बाद इसको सर्च करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइल बाय गूगल। तो यहाँ पर फाइल्स बाय गूगल की जो एप्लीकेशन है, इसको अगर हम टैप करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इसकी जो रेटिंग्स हैं वो 4.5 इसकी रेटिंग्स हैं और 6 मिलियन रिव्यूज़ गाइस, और उसके बाद जो है ना इसके 1 बिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं। कहने का मतलब ये कि यार गूगल की ऑफिशियल एप्लीकेशन है, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। मैंने इसका डेटा कर दिया है क्लियर, तो इसको हम करने वाले हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू जैसे ही करेंगे तो ये आपका जो डेटा होगा वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, इसके जो फ़ायदे हैं भाई, यहाँ से आप कैचेस वगैरह क्लीन कर सकते हो। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि मैं मेंशन कर देता हूँ। कैच आपको करके देगा हर फाइल का जो है ना, वो लार्ज फाइल आपको अलग से बताता है, और उसके बाद आप अपनी फाइल्स को प्राइवेट कर सकते हो, कोई भी उनको टच नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट जो इंटरफेस है वो इस तरह का आपको भी देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इसकी ऑप्शन है इसके बारे में जान लेते हैं, जो कि बड़े काम की है, सेव फोल्डर की। इस पर टैप करते हैं दोस्तों, और यहाँ पर आपको जो है दो ऑप्शन मिलते हैं, आपने जो है ना पिन सेलेक्ट करनी है अपनी, बनानी है या फिर पैटर्न। तो यहाँ पर पिन पर टैप करते हैं, 1122 हम कर देते हैं इसको। अगेन आपने वही पासवर्ड जो है ना वो लगाना है जो आपको जो है ना याद रखना है, क्योंकि बाद में आपने इसको फिर लॉगिन करना है। कोई भी आप प्राइवेट वीडियो किसी को शो नहीं करवाना चाहते, यो गैलरी में भी या फिर कहीं पर भी, तो वो आपके सेफ फोल्डर में रहेगी, आप ही इसको एक्सेस कर पाओगे, यानी खोल पाओगे ये कोड डायल करने के बाद। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये हमने जो है ना इसकी जो कोड है वो हमने दे दिया। अब यहाँ पर हमने कोई भी फाइल को ओपन करना है, ठीक हो गया। जैसे कि फ़र्ज़ करें हम ये जो चीज़ है, ये जो थंबनेल बड़ा हुआ है मेरा लास्ट वाला, इसको हम करते हैं सेफ फोल्डर में लॉक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 डॉट्स में जाएंगे ऊपर, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलती है मूव टू सेफ फोल्डर। अब यहाँ पर जो हमने पासवर्ड रखा था वो मांगेगा, तो हम इसको वही पासवर्ड जो है वो दे देते हैं। तो ये जो फाइल है हमारी, ये हमारी जो फोल्डर बनाया था सेफ फोल्डर का, उसमें आ चुकी होगी। अब सेफ फोल्डर पर जैसे टैप करेंगे और पासवर्ड डालेंगे, तो वो यहाँ पर फाइल जो है वो पड़ी हुई है। अगर अदरवाइज़ ये फाइल मैनेजर में या फिर कहीं पर भी आपको ये शो नहीं होगी। इस तरह से आप जो है अपनी फाइल्स को सिक्योर और सीक्रेट रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरी बड़ी चीज़ है इसकी, वो ये है कि यहाँ पर आप क्लीनिंग वगैरह भी कर सकते हो। ये कह रहा है कि आपकी डिवाइस में एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको आपने अनइंस्टॉल कर देना चाहिए, गूगल प्रोटेक्ट के थ्रू ये डिटेक्ट कर रहा है। पहले प्रोटेक्ट पर हम टैप करते हैं, और यहाँ पर ये एप्लीकेशन बता रहा है कि कौन सी है, अनइंस्टॉल करने का कह रहा है, लेकिन मैंने नहीं करनी। बैक आ जाते हैं, बैक आने के बाद वापस से आ जाते हैं फाइल मैनेजर में, और यहाँ पर जंक फाइल्स जो हैं वो इसको हम क्लीन पर अगर टैप करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ था फाइल्स बाय गूगल वुड लाइक टू क्लियर सम टेम्पररी फाइल्स दिस में रिजल्ट इन ए इंक्रीज्ड यूज ऑफ बैटरी ऑफ मोबाइल डेटा। यहाँ पर जो आप कैचेस वगैरह या टेम्पररी ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि हम डिलीट कर देते हैं एप्लीकेशन वगैरह को, लेकिन बाद में ऐसा होता है ना कि उनकी फाइल्स पड़ी हुई होती हैं, तो इसको आप अगर क्लियर करते हैं तो आपकी जो फ़ोन है उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है ना बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। तो इसको हम क्लियर करते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसने 3 GB तक मुझे कैचा जो है ना वो क्लियर करके दिया है, तो आसान आ रही है। तो यहाँ से आप जो लार्ज फाइल्स हैं वो भी कहने को आपको कह रहा है कि आपकी जो लार्ज फाइल्स हैं वो आप डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ से जो कुछ फाइल्स हैं लार्ज, वो इनको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो बाकी भी इसके फीचर्स बहुत ही कमाल के हैं, चूँकि गूगल की प्रोडक्ट है तो ये स्मूथली वर्क करती है। जो भी इसके फीचर्स हैं कमाल के वर्क करते हैं। तो 3 डॉट्स में जाकर, सेटिंग्स में जाकर इसके बाकी फीचर्स भी आप देख सकते हो। सेव फोल्डर से को अगर आपने यहाँ पर पासवर्ड या चेंज वगैरह करना है, या इसको जो है ना रीसेट करना है, तो भी आप जो है वो यहाँ से कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।